हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज स्वीटम। मैं आप सभी का दोस्त शौर्य सिंघल, और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे ईडीआई, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, ईडीआई है क्या? जैसे कि आप इसके वर्ड से ही जान रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक की मदद से डाटा आपका ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, वही आपका ईडीआई होता है। ईडीआई बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? एक सॉफ्टवेयर है जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, गवर्नमेंट, स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस एंड बैंक यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उनको कम्युनिकेट करना होता है, उनको कम्युनिकेट करना होता है विद डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट। क्यों वो कम्युनिकेट करते हैं? जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन है बिजनेस की वो ट्रांसफर हो सके इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। भाई आपने क्या बोला? भाई मैंने ये बोला है कि लेट सपोज कि आपने कुछ अमेजोन से परचेज किया है। हाँ जी भाई, हमने कर लिया। सो उस परचेज की इन्फॉर्मेशन किस किस के पास जाएगी? आप थोड़ा दिमाग लगाएं। उस परचेज की इन्फॉर्मेशन आपकी बैंक के पास जाएगी, उस परचेज की इन्फॉर्मेशन आपकी कंपनी, जो आपकी मेन कंपनी है उनके पास जाएगी, एंड डीलर के पास जाएगी, राइट? जो जो वो डाटा आपका ट्रांसफर हो रहा है, जो वो इन्फॉर्मेशन आपकी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम कंपनी टू बैंक एंड स्मॉल डीलर, वो ट्रांसफर कौन करता है? वो ट्रांसफर करता है आपका ईडीआई, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ये बस एक सॉफ्टवेयर है, आपको ये बात याद रखनी है, राइट? और ईडीआई आपका सुटेबल है बी टू बी के लिए या फिर बी टू जी के लिए, दैट इज बिजनेस टू गवर्नमेंट के लिए। ये आपका बी टू सी के लिए सुटेबल नहीं होता, ये बी टू सी में यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई भी कस्टमर आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता, ठीक है? इसके एग्जाम्पल हम आगे समझ रहे होंगे, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे शांत रहें। चलिए स्टार्ट करते। हमने क्या पढ़ा? हमने अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ी। अब उसी डेफिनेशन में से हम इसके कुछ फीचर्स निकालेंगे। भाई ये आप फीचर एग्जाम में लिख सकते हैं, और इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है? भाई स्ट्रक्चर्ड डाटा। क्यों भैया? आपको पता है कि भाई अमेजोन का इन्फॉर्मेशन, जो भी वो परचेज, जो भी वो सेल करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन टीचर कंपनी के पास जाएगी। जो डाटा जाएगा, उस डाटा को भेजने के लिए जो सॉफ्टवेयर किसने किसी कोड से बनता है, राइट? वो कोड आपका स्पेसिफिक होगा, उसका फॉर्मेट आपका स्पेसिफिक होगा। ईडीआई आपका डिफरेंट डिफरेंट तरीके से नहीं बन सकता, ठीक है? बेसिकली जो डाटा जाएगा वो आपका एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में जाएगा, स्ट्रक्चर्ड उसका फॉर्म होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ। दूसरा आपका एग्रीड मैसेज स्टैंडर्ड। भैया जो जो कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया था कि ये एक स्टैंडर्ड यूज करता है, जैसे कि इनवॉइस हो गया, इनवॉइस का कोई ना कोई क्या कहते हैं फॉर्मेट होता है, राइट? उसी तरीके से जो वो इन्फॉर्मेशन भेजता है टू कंपनी और टू बैंक, उसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता होगा होता है जो भेजता है डिफरेंट डिफरेंट कंपनी को, ठीक है? आप यहां में समझना कि भाई अमेजोन डिफरेंट डिफरेंट कंपनी को, मतलब कि वो जो दुनिया भर की कंपनी है उनको भेजेगा, ऐसा नहीं होता। वो लेट से कि मैंने कोई रिबॉक का सामान खरीदा, सो रिबॉक के डीलर को और रिबॉक कंपनी को वो कुछ मैसेज, जो मैसेज भेजेगा उसका जो फॉर्मेट होगा वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट कहलाता है, और वही आपका एग्रीड मैसेज स्टैंडर्ड कहलाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देन इसका दूसरा फीचर, तीसरा फीचर क्या है? फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर। भाई यहाँ पेपर से काम नहीं होता, यहाँ आपका सिस्टम से काम होता है, राइट? ये आपको डाटा ट्रांसफर करता है फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। अब इसकी अगली डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं, इसको इसके इससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। ईडीआई इज द सोर्स और ईडीआई इज द सॉफ्टवेयर विच कम्युनिकेट विया इंटरनेट बिटवीन द कंप्यूटर सिस्टम ऑफ कंपनीज, दैट इज डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और बैंक्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। ये एक सोर्स है, ये एक सॉफ्टवेयर है, जो कि मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, तो मैं इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। देन इसका चौथा है इलेक्ट्रॉनिक मीन। भैया ये आपका पेपर वर्क से नहीं होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड से होता है, और ये आपका कंप्यूटर के जरिए होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका बेसिक फीचर क्या है जो हमने इसके डेफिनेशन से ड्राइव करे हैं, ठीक है? नेक्स्ट चीज अभी हम पढ़ेंगे कि भाई ईडीआई के अंदर क्या है, ईडीआई के एलिमेंट, ईडीआई के सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है? मैं इसकी आर्किटेक्चर की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बिल्डिंग ब्लॉक की बात नहीं कर रहा, मैं इसके कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ कि ईडीआई के अंदर क्या क्या होता है,
ठीक है। सो सबसे पहले चीज जो ईडीआई के अंदर होती है वो होता है आपका ईडीआई स्टैंडर्ड। भाई ईडीआई स्टैंडर्ड क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको हम यहाँ पे बताया था कि इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। सो ईडीआई स्टैंडर्ड क्या करता है, ये आपको एक फॉर्मेट सेट कर देता है जिस फॉर्मेट में आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करोगे टू रिसीवर, और ये आपका स्टैंडर्ड मैसेज क्रिएट कर देता है फॉर स्पेसिफिक कंपनी। भाई आपने स्पेसिफिक कंपनी यहाँ पे क्यों लगाया, मेरे यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि डीलर के लिए डिफरेंट फॉर्मेट होगा, कंपनी के लिए डिफरेंट फॉर्मेट होगा, और अगर आप कोई डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की बात करते हैं, रिबॉक के लिए डिफरेंट होगा और यहाँ पे नाइक के लिए डिफरेंट होगा। सो यहाँ पे जो कंपनी टू कंपनी फॉर्मेट है वो आपके डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट उनके फॉर्मेट एज लाइक कि उनका नाम डेट वेट आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि उनका फॉर्मेट डिफरेंट कैसे होते हैं, उनके नाम डिफरेंट है तो उनका फॉर्मेट में कुछ मिनिमल चेंज रहता है। सो मिनिमल चेंज यहाँ पे स्टैंडर्ड मैसेज होता है, ठीक है। उस मिनिमल चेंज को वो चेंज करके और कंपनी को भेज देता है। भैया मैं आपने यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया, फिर से बता देते हैं। भाई आप एक बात समझो, आपने सेम मैसेज डीलर को भेजा, क्या आप वो सेम मैसेज कंपनी को भेजोगे? सो द आंसर इज नो, आप वो सेम मैसेज कंपनी को नहीं भेज सकते। सो डीलर एंड कंपनी का, स्पेसिफिक कंपनी का फॉर्मेट आपका डिफरेंट होता है। सो वो फॉर्मेट आपका ईडीआई स्टैंडर्ड सेट करता है, ठीक है। उसके बाद ईडीआई सॉफ्टवेयर क्या काम करता है कि भैया आप ये आपकी हेल्प करता है इन ट्रांसलेशन ऑफ मैसेज। भैया इसका मतलब क्या है, भाई डिफरेंट डिफरेंट कंपनी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट आपके यूज करती है। सो उस स्पेसिफिक कंपनी के फॉर्मेट को वो ये ट्रांसफॉर्म करता है टू ईडीआई फॉर्मेट, ठीक है। लेट्स से कि भैया रिबॉक और नाइका है, ठीक है, रिबॉक और नाइका है, इन दोनों ने अपने अपने ईडीआई फॉर्मेट सेट कर रखे हैं, दोनों के ईडीआई फॉर्मेट डिफरेंट हैं। सो जब रिबॉक आपका नाइका को कुछ इंफॉर्मेशन भेजेगा, कुछ आपकी मैसेज भेजेगा, सो नाइका क्या करेगा, वो रिबॉक की स्पेसिफिक फॉर्मेट को चेंज करके अपने ईडीआई फॉर्मेट में चेंज कर लेगा और उसको रीड करेगा, ठीक है। अभी इसको मैंने इजी समझाने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया है। वह क्या एग्जांपल है कि यहाँ पे आपके सेंडर है, सेंडर आप मान ले कि शौर्य आपकी कंपनी है, और यहाँ पे आपका रिसीवर है, रिसीवर आप मान ले कि यहाँ पे रिसीवर कौन है, आर्यन है, तो आर्यन भी एक कंपनी है और शौर्य भी एक कंपनी है, तो शौर्य का फॉर्मेट डिफरेंट होगा, आर्यन का फॉर्मेट यहाँ पे डिफरेंट होगा, ठीक है। सो जो मेरा फॉर्मेट है मैं उसी फॉर्मेट में आर्यन को क्या करूंगा, एक इंफॉर्मेशन भेजूंगा, लेकिन आर्यन का ईडीआई क्या करेगा, आर्यन का ईडीआई यहाँ पे उस फॉर्मेट को अपनी स्पेसिफिक फॉर्मेट में चेंज कर देगा और उस मैसेज को रीड करेगा, ठीक है। अभी ईडीआई क्या करता है, ईडीआई एट द रिसीवर एंड, रिसीवर एंड रिसीव द मैसेज एंड ट्रांसलेट इट फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्मेट टू कंपनी स्पेसिफिक फॉर्मेट। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कुछ आपके कंपोनेंट आते हैं ईडीआई सॉफ्टवेयर के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं अभी हम वो पढ़ेंगे। भाई यहाँ पे आपका है बिजनेस एप्लीकेशन, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, ईडीआई सर्विस सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क एक्सेस सॉफ्टवेयर। ये चार सॉफ्टवेयर आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस ये इसके आप नाम लिख के आ जाए काफी रहेगा। बेसिकली इस यूनिट से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, लाइक ईडीआई एडवांटेज क्या है एंड ईडीआई के कॉम्पोनेंट क्या है, डिफाइन ईडीआई, शॉर्ट नोट ऑन ईडीआई एंड ब्लॉक बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर ऑफ ईडीआई, जो कि मैं आपके अनकवर्ड कॉन्सेप्ट में कवर कर दूंगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। इस सब्जेक्ट की आपकी अनकवर्ड कॉन्सेप्ट की वीडियो आएगी, सो उसकी आप टेंशन मत लेना। सो आपको थर्ड कॉम्पोनेंट है आपको जो इसके अंदर आता है, दैट इज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कम्युनिकेशन। बेसिकली आपके किस स्पेसिफिक टॉपिक भी है, बट फॉर सम रीजन मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, इस टॉपिक को, नॉट नॉट दिस पॉइंट, मैं इस टॉपिक को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका कभी नहीं पूछा गया, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई भी आपको टेंशन नहीं लेनी। और अगर ये आ भी गया तो वहां पे आपके पास चॉइस होंगी, आप दूसरा क्वेश्चन कर लें। इसके बाद भाई नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कम्युनिकेशन इसका कॉम्पोनेंट है, वो क्या होता है, भाई बेसिकली ये नेटवर्क है जो ईडीआई यूज करता है। भाई यहाँ पे तीन तरीके के नेटवर्क है, इंटरनेट हो गया, VAN दैट इज वैल्यू एडेड नेटवर्क एंड प्राइवेट नेटवर्क। यहाँ पे जो कंपनी के स्पेसिफिक स्पेसिफिक नेटवर्क होते हैं तो वो कोई सा भी यूज कर सकते हैं, वो उसकी मर्जी होती है, और वही आपका कॉम्पोनेंट है ऑफ ईडीआई, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे कि ईडीआई का कॉम्पोनेंट है क्या। नेक्स्ट चीज क्या है भाई, ईडीआई कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, भाई दिमाग दौड़ाओ भैया, जितने बिजनेस हैं ईडीआई हर जगह एप्लीकेबल होता है, चाहे वो इंटरनेशनल बिजनेस हो, चाहे वो फाइनेंशियल ईडीआई हो, चाहे वो फाइनेंस की फील्ड में हो, लाइक बैंक हो गए,
चाहे वो हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस ईडीआई हो या फिर मैन्युफैक्चरर एंड रिटेल प्रोक्यूरमेंट यूजिंग ईडीआई। भाई आपको इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, देन इंटरनेशनल ट्रेड के किस किस से कम्युनिकेशन होते हैं लाइक एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, राइट। सो ईडीआई इसका वहां काम करेगा, जो आपके बैंक्स हैं उसकी ईडीआई कहाँ कहाँ पे काम होते हैं आपके यहाँ पे, वो सब एक्सप्लेन कर देना है। आई होप मुझे मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपको बैंक पता है क्या होता है, आपको हेल्थ केयर पता है क्या होता है, इंश्योरेंस पता है क्या होता है, तो आप एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है भाई इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आप बहुत पूछते हो भैया इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल बता दो। सो ईडीआई का जो एग्जाम्पल है ये एक सॉफ्टवेयर है, मैंने आपको पहले बताया था, और ये कंपनी टू कंपनी डिफरेंट होता है, कंपनी अपना ईडीआई खुद भी बना सकती है, बट जो आपके फेमस ईडीआई सॉफ्टवेयर है वो कौन कौन से हैं, एसपीएस कॉमर्स, सीएलईओ कॉमर्स, भूमि एंड वेब ईडीआई, जिटरबिट एंड AS2 आपके ईडीआई के एग्जाम्पल हैं। आप ये एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, इससे एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। उसके बाद आपके हम लास्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ ईडीआई एंड लिमिटेशन। लिमिटेशन में यहाँ पे लिखना भूल गया, बट मैं आपको वर्बली बता दूंगा। सबसे पहले एडवांटेज क्या है भाई, हर चीज आपके इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो रही है तो आपकी यहाँ पे कॉस्ट कम हो रही है। अब आप बोलोगे कि भैया कॉस्ट कम कैसी हो रही है, क्योंकि ईडीआई भी आपको कुछ महंगा आता होगा, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर है और ये वेल बिल्ट होता है और ये कॉस्टली भी होता है। सो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग कैसी हो रही है भैया, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो रही है स्टाफ की, जितने भी स्टाफ थे उनकी कॉस्ट कटिंग यहाँ पे हो रही है, स्टेशनरी की यहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो रही है, और यहाँ पे पोस्टेज की, यहाँ पे लाइक जो पोस्ट आप करोगे उसकी यहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्न ऑर्डर टाइम, भाई यहाँ पे बहुत कम टाइम लगता है ऑर्डर देने में और लेने में, ठीक है। एलिमिनेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन, बेसिकली ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन देने और लेने में यहाँ पे बहुत कम टाइम लगता है। इसके बाद एलिमिनेशन ऑफ एरर्स, यहाँ पे एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे इसके दो पॉइंट करके आप ये लिख सकते हैं, एलिमिनेट एरर इन ऑर्डर और एलिमिनेट एरर इन पेमेंट, आप यहाँ पे दो पॉइंट लिख दें, पेमेंट काट दें, आप यहाँ पे लिख दें एलिमिनेशन ऑफ एरर इन इनवॉइस। भाई ऑर्डर में जो आप को ऑर्डर मिलेगा या फिर जो आप ऑर्डर दोगे वहां पे एरर के चांसेस ये एलिमिनेट कर देता है, और इनवॉइस में भी ये आपके एरर के चांसेस एलिमिनेट कर देता है, तो यहाँ पे आपके दो पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाएंगे और आपके पॉइंट्स भी यहाँ पे बढ़ जाएंगे। उसके बाद फास्ट रिस्पॉन्स, भाई इसका क्विक रिस्पॉन्स आ जाता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है। अगर आप चिट्ठी से कुछ चीज भेजते हो तो उसको यहाँ पे कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते हैं, लेकिन इसके यहाँ पे विद इन ए मिनट यहाँ पे रिस्पॉन्स आ सकता है, ये आपको बहुत फास्ट होता है। और ईडीआई पेमेंट का यहाँ पे एडवांटेज है, देन रिड्यूस स्टॉक होल्डिंग, मतलब कि भाई आपका जो इन्वेंट्रीज होती है उसको यहाँ पे कम कर देता है, जिससे कि आपके जो नुकसान होने के चांसेस है वो यहाँ पे बहुत कम हो जाते हैं। देन कैश फ्लो, भाई अगर आपका बिजनेस चलता रहेगा तो आपके पास कैश फ्लो अच्छा रहेगा। सो ये थे आपके कुछ एडवांटेजेस ऑफ ईडीआई। यहाँ पे आप डिसएडवांटेज क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप डिसएडवांटेज लिख सकते हैं कि भाई इसके मेंटेन करने के लिए बहुत हाई कॉस्ट जाती है, ठीक है। ये कभी कभी जो आपके स्मॉल वेंडर्स होते हैं उनके लिए बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। ये आपका लिमिटेड है कंपनी टू कंपनी, ये कंपनी से बाहर काम नहीं कर सकता आप, यहाँ पे इसका भी ये लिमिटेशंस, ये डिसएडवांटेज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है भैया, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, सॉरी ये फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे इसका आप यहाँ पे एडवांटेज में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आप डिसएडवांटेज में लिखेंगे वो यहाँ पे आप लिखेंगे कि भाई ये आपका डिपेंड करता है नेटवर्क के ऊपर, ठीक है, ये आपका नेटवर्क, ये आपका इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है, ये उसकी डिसएडवांटेज एंड लिमिटेशन है, यहाँ पे टेक्निकल एरर आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हो कि ईडीआई एक्चुअल में है क्या, इसका काम क्या होता है, इस और ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, मैंने आपको वो सब समझा दिया। इसमें कुछ खास था नहीं समझाने के लिए, इतना मैंने कुछ डीपली नहीं समझाया है। सो इसके बाद जो आपकी वीडियो आएगी वो यूनिट 5, देखता हूँ कि इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है तो बता दूंगा। लास्ट यूनिट आपकी अनकवर्ड कॉन्सेप्ट आएगी, जो कि इंपॉर्टेंट वीडियो में बोलूंगा कि भाई वो इंपॉर्टेंट वीडियो होगी इस सब्जेक्ट के लिए। तो जाने से पहले प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, अगर कुछ भी समझ में आया इस वीडियो से या फिर कॉलेज ट्यूटर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर रहा है, सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं, क्योंकि आपको यहाँ पे सेमेस्टर हैक मिलते रहेंगे पास होने के लिए। सो और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।